बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल राज इंग्लिश में। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं राज इंग्लिश YouTube चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैसे छात्रों के बारे में जो अभी 12th की पढ़ाई कर रहे हैं और उसका इरादा आगे ग्रेजुएशन में पढ़ने का इरादा है, या वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले से ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे वैसे स्टूडेंट्स के बारे में जो आगे की पढ़ाई आर्ट्स से करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन अपनी करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन इंटेंशन ये है कि सच कहूँ तो अधिकतर स्टूडेंट्स जो भी बीए में एडमिशन लेते हैं, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स से अपनी ग्रेजुएट करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो अधिकतर या तो हिस्ट्री ऑनर्स चुनते हैं या ज्योग्राफी ऑनर्स। सच बात यह है कि उनको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अलावा कोई ऑप्शन ही उसको नज़र नहीं आता है, इसलिए वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑनर्स ही सेलेक्ट कर लेते हैं। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑनर्स में तो एडमिशन ले लिया है, लेकिन उनको यह भी पता नहीं होता है कि हमारा ऑनर्स कितने नंबर का होता है, ऑनर्स होता क्या है, सब्सिडरी हमारा कितने नंबर का होता है और सब्सिडरी भी होता क्या है, यह तक स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है। ये वो बातें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस गाँव में रहकर, इस शहर में रहकर, इस समाज में रहकर। अधिकतर स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑनर्स और ज्योग्राफी ऑनर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स में 75% ऐसे स्टूडेंट्स पाए जाते हैं या तो वो हिस्ट्री ऑनर्स सेलेक्ट करते हैं या ज्योग्राफी ऑनर्स सेलेक्ट करते हैं, एक्चुअली में उसको कोई ऑप्शन ही इसके अलावा नहीं पता होता है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे पास आर्ट्स से, बैचलर ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन करने के लिए हमारे पास कितने सारे ऑप्शन हैं और किस तरह से किसी भी सब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर में बाकी दिक्कतें ना हो, हमको पीजी करने में दिक्कत ना हो, हमको बीएड करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा फ्यूचर जो होता है वो मैट्रिक के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। यदि हम अपने 12th की पढ़ाई साइंस से करते हैं, आर्ट्स से करते हैं या कॉमर्स से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस से 12th तो कर लेते हैं लेकिन कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण जो चाहे मन में आ जाता है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं ऑनर्स में, और उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये जो सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया है ऑनर्स में और सब्सिडरी जो भी मैंने रखा है उसका दुष्प्रभाव क्या होगा, आगे हमारे फ्यूचर में उसका क्या असर पड़ सकता है, जो भी ऑनर्स हमने सेलेक्ट किया है उसके कंपटीशन मार्केट में कितने हैं, हमको इसके लिए क्या स्कोप मिलेंगे। फ्रेंड्स, इन सभी बातों के साथ साथ मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि यदि आप ऑनर्स फर्स्ट ईयर में हैं, आर्ट्स लिए हुए हैं, तो आपका सब्सिडरी कितने नंबर का होगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कितने नंबर का होगा आपका जो ऑनर्स होगा। साथ ही ये भी बात करेंगे कि सब्सिडरी ऑनर्स के अलावा जो हमारा सब्सिडरी होगा वो सब्सिडरी होता क्या है, वो कितने नंबर का होता है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में वो सब्सिडरी कितने नंबर का होता है, और लास्ट जो होता है थर्ड ईयर उसमें सब्सिडरी पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है और 100 मार्क्स का जीएस हमको मिलता है, और ऑनर्स हमारा कितने नंबर का थर्ड ईयर में हो जाता है, वो सारी बातों को इस वीडियो में मैं रखने वाला हूँ। फिर साथ में ये भी बात करेंगे कि यदि हम ऑनर्स में फेल हो जाते हैं तो हमारा साल बैक होगा या नहीं होगा, या हमारा ऑनर्स पेपर निकल जाता है और हम सब्सिडरी में फेल हो जाते हैं तो फिर हमारा क्या होगा, किस तरह से नेक्स्ट क्लास में हम जा पाएंगे, किस तरह से नहीं जा पाएंगे, सारी बातों को मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने वाला हूं। आप स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है यदि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि हम आर्ट्स से ऑनर्स करते हैं तो हमारे पास कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अलावा, और उसके क्या असर होंगे। सपोज़ यदि आप हिस्ट्री ऑनर्स ले पा रहे हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स ले रहे हैं, तो 75% इसमें कंपटीशन होते हैं जो बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स लेते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं तो फिर उसी से आपको पीजी करना होगा, यदि आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो फिर हिस्ट्री से ही आपको बीएड करना होगा, और कंपटीशन मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के। बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के लिए हमारा ऑनर्स पेपर इतना सारा है, देखिए सामने जो भी है, सामने जो भी लिखा हुआ है वो सिर्फ आर्ट्स के ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, म्यूजिक, सोशियोलॉजी। लैंग्वेज में देखिए आप इंग्लिश से भी ऑनर्स कर सकते हैं, हिंदी ऑनर्स कर सकते हैं, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, उर्दू, संस्कृत, ये लोकल लैंग्वेज है, आप अपनी लोकल लैंग्वेज से भी जिसमें कम कंपटीशन हो, जिसमें सबसे पहले आपका मन चाहा सब्जेक्ट कौन है, जो सब्जेक्ट आप सबसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट से लव करते हैं उसी सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें तो एक्चुअली में आप पढ़ पाएंगे, वरना किसी के कहने से ये सब्जेक्ट बेटर है आपके लिए, पढ़ने वाले तो आप हैं, लेकिन अगर कोई रिकमेंड कर रहा है आपके लिए कि ये सब्जेक्ट सही है आपके लिए, ऑनर्स ही आप सेलेक्ट कर लो, तो फिर वहाँ पर ये सही नहीं होगा। क्योंकि फर्स्टली हमको देखना है कि आपका जो इरादा है, आपका जो पढ़ने का इच्छा है, वो किस सब्जेक्ट को पढ़ने का इच्छा है।
तो ऑनर्स के लिए बहुत सारे यहाँ आर्ट्स में ऑप्शन है, इसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं, यदि हम साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए साइकोलॉजी के लिए, तो साइकोलॉजी हमारा फर्स्ट ईयर में होता है 200 मार्क्स का। इतना बात ध्यान में रहे, फर्स्ट ईयर में हमारा साइकोलॉजी जो भी ऑनर्स पेपर हम रखेंगे वो हमारा हो जाएगा 200 मार्क्स का फर्स्ट ईयर में। ऑनर्स में जो टोटल मार्क्स का एग्जाम होता है वो 500 का होता है। अब आपको 500 पुराना है, तो यदि हम साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं, साइकोलॉजी ऑनर्स में चुने बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के लिए, तो हम चाहे तो इससे अगर बीएड आप करना चाहते हैं तो फिर आपको साइकोलॉजी से ही बीएड करना होगा। आप पीजी करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए करना चाहते हैं, तो फिर आपको साइकोलॉजी से ही आपको पीजी भी करना होगा, क्योंकि आपने ऑनर्स यही सिलेक्ट किया है। अदरवाइज आप कोई भी सब्जेक्ट पीजी के लिए या बीएड के लिए, यदि साइकोलॉजी आपसे आप ऑनर्स कर लिए, यदि आपके बाद में इच्छा हुई कि नहीं हमको इंग्लिश से बीएड करना है, तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर पाएंगे। बहुत ही अफसोस होगा कि ओह काश मैं इंग्लिश लिया होता अपने ऑनर्स में, ताकि इंग्लिश से ही बीएड करते और टीचर के लिए अप्लाई करते इंग्लिश के टीचर के लिए। क्योंकि आप देखेंगे गौर से इंडिया में तो जो लैंग्वेज के टीचर है वो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ तक वैकेंसीज भी आती है लैंग्वेज टीचर के लिए तो वो शायद खाली का खाली ही रह जाता है, क्योंकि लैंग्वेज लेना कोई पसंद नहीं करता है। सबको तो मार पर ही है, बस हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑनर्स लेते हैं, बस जी रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देते हैं, यदि हम साइकोलॉजी लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमारा हो जाएगा 200 नंबर का। अब बात कर लेते हैं सब्सिडरी की। ये हमारा हो गया ऑनर्स, फर्स्ट ईयर का पहले बात करते हैं सब्सिडरी। फ्रेंड्स, अब साइकोलॉजी ऑनर्स यदि आप ले रहे हैं, बेटर तो मैं यही करूँगा कि यदि आप बैचलर ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो लैंग्वेज ही सिलेक्ट करें, क्योंकि लैंग्वेज की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यदि आप साइकोलॉजी, मैं साइकोलॉजी का एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ, साइकोलॉजी आप ले रहे हैं, जो भी ऑनर्स ले रहे हैं वो आपको 200 नंबर का होगा। अब सब्सिडरी में से आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात कंपलसरी रहेगी, यदि आप इंडियन हैं तो आपको हिंदी 50 नंबर का आपको लेना ही पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। तो 50 नंबर का हिंदी हुआ और 200 नंबर का ये 250 नंबर। यदि आप इसमें से सिलेक्ट करते हैं कोई भी, यदि हम मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, यदि हम लेते हैं पॉलिटिकल साइंस 100 नंबर का एक्स्ट्रा सब्सिडरी में लेते हैं, एक और ले लेते हैं कोई इकोनॉमिक्स मानते हैं, यह भी 100 नंबर का। अब हमारा 50 नंबर बच गया है, 200 नंबर और 200 400 और ये 50 नंबर 450। और 50 नंबर आप इसमें से इंग्लिश आप ले लीजिए, टोटल जोड़ के मेरा हो जाएगा 500 नंबर। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर में यदि हमारा 500 नंबर का ये हुआ, यदि हम साइकोलॉजी ऑनर्स से करें तो एग्जाम के समय में यदि आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम देते हैं और आपका ऑनर्स पेपर आप दोनों में पास हो जाते हैं, यदि सब्सिडरी में इन तीनों में से तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक में आप फेल हो जाते हैं, सपोज आप हिंदी में फेल हो गए तो आप फेल हो जाते हैं, तो आपका क्लास एक साल जो बोर्ड एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाने के बाद एक साल जो पीछे आ जाता है, बैक आ जाता है, ग्रेजुएशन में वैसा नहीं होता है। यदि आप ऑनर्स में फेल हो रहे हैं तो आप एक साल पीछे आएंगे, एक साल गैप हो जाएगा आपका। लेकिन यदि आप सब्सिडरी में पीछे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप सेकेंड ईयर में जा सकते हैं और जो भी सब्सिडरी में आप फेल होंगे वो सेकेंड ईयर में उस सब्सिडरी का एग्जाम आपका ले लिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपका सेम रहेगा ऑनर्स 200 नंबर का, सब्सिडरी या 300 नंबर का। और सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में भी आपका ये सेम रहेगा, साइकोलॉजी 200 नंबर का, यदि आप जो भी ऑनर्स आप ले रखे हैं वो 200 नंबर का, हिंदी 50, पॉलिटिकल साइंस 100 नंबर, इकोनॉमिक्स 100 नंबर, इंग्लिश 50 नंबर, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही आप पार्ट 3 में जाएंगे,
पार्ट थ्री का एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होगा आपका, उसमें आपका साइकोलॉजी यदि जो भी अनर्स है आपका, जो भी अनर्स आपका होगा पार्ट थर्ड में, वो हो जाएगा 400 नंबर का। 400 नंबर का आपका साइकोलॉजी हो जाएगा और बचा 100 नंबर, तो 100 नंबर में आपको पूछा जाएगा जीएस। टोटल मिला के 500 नंबर का। तो इसीलिए अनर्स ग्रेजुएशन में सब्सिडरी मायने नहीं रखता है। 300 नंबर का सब्सिडरी आपका था अनर्स में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, लेकिन लास्ट ईयर थर्ड ईयर में 100 नंबर का जीएस आपका हो गया और साइकोलॉजी जो भी अनर्स आपका है वो 400 नंबर का हो गया। और एक बात, अब जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल जो मार्कशीट आपका मिलेगा, उसमें यह सब्सिडरी फर्स्ट ईयर का कहीं मेंशन नहीं होगा, कहीं शामिल नहीं होगा। सेकेंड ईयर का सब्सिडरी कहीं मेंशन नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। आपका जो अनर्स पेपर है वो फाइनल एग्जाम में, फर्स्ट ईयर में आपका अनर्स 200, सेकेंड ईयर में 200 और थर्ड ईयर में 400, टोटल 800। जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी अनर्स आपका है, वो 3 साल में 800 पेपर का एग्जाम उसका देना पड़ेगा। और पार्ट थर्ड का जो मार्कशीट आएगा फाइनल मार्कशीट, 800 में से यदि आप 480 नंबर ला पाते हैं, 3 साल का जो करके, फर्स्ट ईयर 200 नंबर का होगा वो मार्क्स आएगा उसमें से जितना, सेकेंड ईयर में 200 नंबर का होगा उसमें से जो मार्क्स आएगा वो, और थर्ड ईयर में आपका अनर्स 400 का होगा उसमें जितना मार्क्स आएगा वो टोटल जोड़ करके 800 में से जितना नंबर आप ला पाते हैं, यदि आप 480 नंबर ला पाते हैं तो ये होगा 60% और आप फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएट हो सकते हैं, ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो हुआ हमारा ग्रेजुएशन तक के, कि चलो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना था वो हम सिलेक्ट कर लिए। यदि अब आपका इरादा हुआ कि नहीं हमको TET निकालना है, हमको टीचर बनना है, तो फिर अब TET के लिए BED ज़रूरी है, आपको BED करना होगा। तो BED करने के लिए भी जो आप अनर्स लिए होंगे, जिस सब्जेक्ट से भी आप अनर्स पास किए होंगे, वहीं से आपको BED भी करना होगा। BED 2 साल का होता है और 2 साल में, पहले साल में साइकोलॉजी, आपने साइकोलॉजी अनर्स यदि किया है तो BED भी साइकोलॉजी से ही करना होगा। और BED फर्स्ट ईयर में 500 मार्क्स का होता है, साइकोलॉजी 4 सेमेस्टर होते हैं BED में और हर सेमेस्टर के लिए 6 महीना आपको मिलता है, 2 साल का कंप्लीट कोर्स होता है BED का। लेकिन फ्रेंड्स, इतना अब याद रखें, क्योंकि अब UGC इस BED वाले कंडीशन को बदलने जा रहे हैं। अब BED आपका 4 साल में कंप्लीट होगा, और 4 साल में कंप्लीट होगा तो पहले होता था कि अनर्स के बाद BED में एडमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अब जैसे ही आप 12th पास करेंगे, आप अनर्स के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, उसी वक्त आपको BED में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा, यानी अनर्स और BED साथ साथ लेकर के चलना होगा। तो फ्रेंड्स, BED में तो एडमिशन ले लिया साइकोलॉजी से ही, फिर BED 2 साल में 1000 नंबर का आपको साइकोलॉजी का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कि अनर्स कितना मायने रखता है। तो ये हुआ BED, तो फिर आप साइकोलॉजी से ही BED करेंगे और साइकोलॉजी के ही टीचर बनेंगे। इसीलिए आप अनर्स जो भी सिलेक्ट करें, आपका अपना पसंदीदा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपका मन लगता है। ग्रेजुएशन तो हो गया, अब इरादा हुआ कि चलो BED नहीं करना, हमको BED मिडिल स्कूल के टीचर नहीं बनना, हमको PG करना है। तो PG के लिए जिस भी सब्जेक्ट जो आपका अनर्स होगा ग्रेजुएशन में, वही सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर करना होगा PG या MA। PG मास्टर ऑफ आर्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट, बात सेम है, तो उसी सब्जेक्ट से आपको करना होगा PG। आपने तो लिया है साइकोलॉजी, दो साल का होगा MA या PG का है, तो 2 साल का होगा, उस 2 साल में 4 सेमेस्टर होंगे, 4 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर का एग्ज़ाम हर 6 महीने के बाद होता है, तो 2 साल में 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। सपोज़ आपने साइकोलॉजी से PG भी कंप्लीट कर लिया, अब इरादा हुआ कि चलो प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, NET का तैयारी करते हैं। प्रोफेसर के तैयारी के लिए, एक प्रोफेसर बनने के लिए अभी NET क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है और वो PG के बाद ही कर सकते हैं। तो अब आपका इरादा हुआ कि एक हम प्रोफेसर बनते हैं, तो फिर आपने अनर्स, ध्यान रखिएगा अनर्स, क्योंकि अनर्स से ही शुरुआत होती है ग्रेजुएशन, तो वहाँ आपने लिया है साइकोलॉजी, PG भी किया साइकोलॉजी से, तो अब टीचर आप तो इंग्लिश के, हिंदी के, उर्दू के, संस्कृत के आप बन तो सकते नहीं हैं, आप बनेंगे साइकोलॉजी के। तो अब आपको NET की तैयारी भी करनी होगी,
तो वो साइकोलॉजी से करनी होगी और साइकोलॉजी प्रोफेसर के लिए ही अप्लाई करना होगा। और फ्रेंड्स एक बात ये भी याद रखें, ऑनर्स फर्स्ट ईयर में सब्सिडी होता है 300, सेकेंड ईयर में भी सब्सिडी 300 होता है, थर्ड ईयर में 400 हमारा ऑनर्स हो जाता है और 100 मार्क्स जीएस हो जाता है, लेकिन फाइनली एग्ज़ाम जो तीनों साल का मिला करके हमको जो नंबर दिया जाता है वो सिर्फ ऑनर्स का नंबर दिया जाता है, बाकी जीएस का भी नहीं मिलता है हमको, सब्सिडी का भी नंबर नहीं मिलता है। लेकिन पीजी में जब हम एडमिशन लेते हैं तो 500 नंबर का हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में भी साइकोलॉजी रहता है, सेकेंड सेमेस्टर में भी साइकोलॉजी, यानी दो साल तक सिर्फ साइकोलॉजी 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 ही पढ़ेंगे तभी कहेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं आर्ट्स में जिससे हम ऑनर्स कर सकते हैं, जिससे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री से ही हम करेंगे ऑनर्स, ज्योग्राफी से ही ऑनर्स करेंगे, कंपटीशन मार्केट में बहुत सारी है और सरकार के पास जॉब नहीं है, ऑलरेडी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जो भी ऑनर्स किए हुए हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन हम भी अभी उसी कंडीशन में उसी सिचुएशन में रह रहे हैं, हमारे पास यदि ऑप्शन नहीं है कि हम क्या करें, तो फिर बहुत सारे ऐसे एडवाइज़र अपनी अपनी संस्था खोल करके बैठे हुए हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास YouTube है, YouTube से देखिए, YouTube से सलाह लीजिए क्या हमारे लिए सही हो सकता है, उस तरह का सवाल YouTube से कीजिए, YouTube पर आपको जवाब मिलेगा। बनाने का मकसद यही था कि बहुत सारे बच्चे होते हैं बिना सोचे समझे अपने फ्रेंड्स के कहने पर, अपने पेरेंट्स के दबाव डालने पर, इकोनॉमिक कंडीशन सही पोजिशन में ना होते हैं जिसके कारण वो आर्ट्स से ग्रेजुएशन करते हैं लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी अधिकतर बच्चे ले लेते हैं। तो मेरा मेन मकसद यही था कि आप आर्ट से भी बीए कर रहे हैं तो आपके सामने बहुत सारे स्कोप है, आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट है आर्ट्स में भी जिससे आप कर सकते हैं, आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप अपना पीजी कर सकते हैं और उस माध्यम से आप अपनी जॉब भी ले सकते हैं, जॉब भी पा सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ऑनर्स से ही वो सब्जेक्ट हमारा जीवन साथी हो जाता है, समझिए तो पूरे ज़िंदगी तक उसी नाम से हमको जानते हैं कि फलाना साहब यदि ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो वो किस सब्जेक्ट से ली है, फलाने साहब यदि पीजी की डिग्री ली है तो वो किस सब्जेक्ट से ली है, तो ऑनर्स से ही हमारा शुरुआत हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से ये था मेरा विचार आपको नॉलेजेबल करना कि बीए में हमारे लिए बहुत सारे स्कोप है, हिस्ट्री ऑनर्स के अलावा और सब्जेक्ट ले हम उससे ऑनर्स करें, उससे पीजी करें, उससे हम नेट की तैयारी करें या बीएड करने के लिए उसी से हम बीएड करें अपनी ग्रेजुएशन के बाद। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट है उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे आप कंटेक्ट कर सकते हैं, इससे जुड़ी संबंधित कन्फ्यूज़न को आप क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वीडियो के लिए लास्ट तक।